मैं आपको इसका एक बहुत मस्त वाला फीचर दिखाता हूँ भाई। इसका एवरेज तो क्या ही गंदा है। एवरेज दिखाते हैं हम आपको। किसका एवरेज दे रही है बेचारी भाई? बाइक तगड़ी लग रही है। अच्छा अरे अब भोसड़ी के। अरे कैसा लगा रैप? मजा आया देख के? अरे चलो बाय बाय टाटा। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। एंड ये है आज हमारा दूसरा दिन रैप कराने के बाद का, और काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रही है भाई अपनी बाइक जो है। तबाही सीन है इसके तो भाई। एक रिएक्शन तो अल्टीमेट आ रहा है, मैं आपको अभी रिएक्शन दिखाने वाला हूँ। एक्चुअली हमारी गाड़ी जब रैप हुई ना भाई, तो मैंने सोचा ही नहीं था कि ड्यूक पे ये ग्राफिक इतने अच्छे लगेंगे, बट क्योंकि एलॉयज का ऑरेंज है और चेसी भी ऑरेंज है, बट वो मैच कर गया एकदम अच्छा खासा। तो ये रैप जो है ना भाई, तो ये इसका एक स्टोरी है, नेटफ्लिक्स पे आप लोग देख सकते हो, लोफी गियर 5 का। तो जो बच्चे लोग हैं, मतलब जो कार्टून लवर है, उनको तो पता है भाई कि ये क्या है। बाकी जो नहीं जानते कोई बात नहीं, इट्स ओके। भाई ट्रैफिक का तो हम क्या ही बताएं सीन। ट्रैफिक अलग ही मचाए रहता है हम लोगों की ज़िंदगी में। हम बाइकर्स के लिए तो ट्रैफिक समझ लो कि किसी शराब से कम नहीं है। कि घर से निकलो और कोई बोल दे जा तुझे रास्ते में ट्रैफिक मिलेगा, तो इससे बड़ा शराब हमारे लिए कुछ नहीं होगा भाई। निकल जाने दो भाई। मुड़ मुड़ के लोग ऐसे देखते हैं ना। एक GT वाला बंदा मेरे पीछे चल रहा है, एंड वो काफ़ी ज़्यादा बाइक को अपने देखे जा रहा है। हाँ भाई बाइक तगड़ी लग रही है। अच्छा कल ही कराए रहे आप? अच्छा हाँ। तो एक कॉम्प्लीमेंट मिला भाई, बढ़िया। बाइक बहुत तगड़ी लग रही है तो बोलने दो। भाई ओके भाई की GT भी बहुत बढ़िया लग रही है। काफी तगड़ा लग रहा है ना, क्रोम एडिशन, मतलब अच्छा लगता है ये पूरा टायर पीछे से दिखता है तो। बट मैं मतलब एक बार मूड बनाया था कि मैं ये लूँगा। अगर ये नहीं आती, नई वाली ड्यूक 390 नहीं आती, तो मेरा प्लान था कि मैं GT उठाऊँगा। बट फिर वही है ना, वॉबलिंग इशू ये सब देखते हुए फिर मन नहीं थोड़ा सा किया, और ब्रेकिंग भी थोड़ा उतना अच्छा नहीं लगा हमको इसका। मैंने चलाई है, अपने ग्रुप में है एक भाई, एक उसके पास है। ओके मैन, ये मैं कहाँ घुसा दिया इस लौंडे के चक्कर में। कहीं से जगह दिख जाए तो मैं चढ़ा दूं ऊपर। राइट कोई दिक्कत नहीं है, मेडजलर है तो रख सकते हैं, अच्छा सा भरोसा कर सकते हैं। मतलब क्विक शिफ्टर तो भाई इसका लाजवाब है, लाजवाब। कभी कभी धोखा भी देता है, और इसमें एक इशू आ गया था कल, जो कि हम लोगों ने बहुत बेकार ही उसको फेस किया।
बट कोई नहीं, इशू आते रहते हैं बाइक है तो। भाई इसका जो ट्रैक्शन कंट्रोल है काफ़ी बढ़िया काम करता है, ये बढ़िया एकदम, मुझे तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है अब, क्योंकि एक बार मैं गिर चुका हूँ और मैं इसकी ट्रैक्शन कंट्रोल को समझ चुका हूँ, दैट्स वाई मेरे को बहुत अच्छा लगने लगा है इसका ट्रैक्शन कंट्रोल। भाई साहब गजब ही लग रहा है। अरे पार्क असिस्ट, ये क्या फीचर है भाई, इस स्कूटी के पीछे लगा है क्यू पार्क असिस्ट। अब ये पार्क असिस्ट क्या है, सच ना दादा कायदे चला। ऑलराइट गाइस, ये देखो अभी चल रहे हम लोग, ये है आपका अंधरा पुल, चौका घाट बोलते हैं इसको, आगे अंधरा पुल है। तो कहाँ गए हम लोग भाई, और हमारा जो हैंडल बार हल्का सा डाउन है ना, वो कल तो सीधा हो नहीं पाया, और अब देखते हैं कब टाइम मिलता है, क्योंकि कल तक की छुट्टी मैंने सिर्फ एक दिन की छुट्टी ली थी। ओ भाई साहब ये क्या, ये तो लंबी लंबी लाइनें हैं गाड़ियों की, मेरे को लगता है कि भाई दिक्कत होगा। HPCL पूजा शर्मा HP गैस है ये क्या भाई, इसका मतलब क्या है पूजा शर्मा। और भाई ड्यूक के सर्विस का टाइम भी आ गया है, देखो 8000 रुपये करानी पड़ेगी। भाई इसका एवरेज तो क्या ही गंदा है, एवरेज दिखाते हैं हम आपको, 21 का एवरेज दे रही है बेचारी, क्या बोला जाए। मेरा ग्लव्स देखो अभी क्लीन हो गया है, बीवी होते का फ़ायदा होता है भाई, आपके राइडिंग जैकेट ग्लव्स एकदम क्लीन क्लीन रहते हैं। कौन पिक पिक कर रहा है वे, किसको बहुत हेलीकॉप्टर बन के जाना है। चूती हैं भाई, पढ़े लिखे लोग ऐसे बकचोदी करते हैं ना तो अच्छा नहीं लगता है। गजब बकचोदी है, लेके बाइक पी पी किए जा रहा है। अरे कहाँ जाओगे उड़ के, ट्रैफिक खाली होगा तभी तो जाओगे, पी पी किए जा रहे हैं, इनसे पहले बिना हॉर्न दिए हम निकल जाएंगे, ऐसे निकलते हैं। इन चूतियों को कौन समझाए भाई कैसे निकलते हैं। अरे निकला मालिक, ना निकलत हुआ ना निकले देत हुआ, बुजुर्ग सार देखा। अब भोसड़ी के ये सब उड़ते तीर है, कब आगे कहाँ घुसेंगे कोई पता नहीं है भाई। भाई ये चीज़ ना बहुत मस्त लगता है इसका, जैसे आप मेनू स्टार्ट करोगे ना तो यहाँ पे ड्यूक अपनी एकदम रंग रूप बिना कलर के कपड़े उतारे आ जाती है। काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। और जैसे एक मैं आपको इसका एक बहुत मस्त वाला फीचर दिखाता हूँ, अगर बाइक इन्फॉर्मेशन में जाओगे तो जो चीज़ में दिक्कत रहेगी ना वो आपको यहाँ पे रेड या येलो हो जाएगा। जैसे देखो अभी टैंक कम है, फ्यूल कम है, तो उसमें अभी येलो दिखा रहा है, ये पूरा ये सीन येलो येलो दिखा रहा है। अभी जब ये ना पूरा एकदम रेड हो जाएगा, जब एकदम माइनस में जाएगी तो रेड हो जाएगा, मतलब अभी फ्यूल कम है। ऐसे देखो भाई इनका क्या कहना है, पुलिस का तो एकदम अलग ही रोला चल रहा है बनारस में, कोई भी फालतू गाड़ियाँ आपको नहीं दिखेंगी कि हाँ रोड पे फालतू जगह पार्क वार्क हों, सबका भयंकर चलान हो रहा है, खासकर गली वाले इलाकों में। बहुत ज़्यादा लेट हो गया है, हम लोग बकचोदी कम करते पहुँचते हैं अपने ऑफिस। ये वाली ड्यूक ना
मतलब पुराने वाले से जैसे वो बहुत ज़्यादा खतरनाक टाइप की लगती थी ना कि हाँ बहुत बड़ी बाइक है, ये वैसा फील नहीं देती है। पता नहीं क्यों, अब मैंने ले ली है, मैं यूज़ कर रहा हूँ इसलिए नहीं लगती, या फिर पता नहीं क्या ही बात है, बट ऐसा है, थोड़ा बहुत तो है कि भाई कम लगती है कम। क्या हो गया भाई, यहाँ पे हड़ताल वड़ताल है क्या कोई? ओहो शूटिंग हो रही है, शूटिंग। अपन भी शूटिंग कर रहे हैं किसी चीज़ की शूटिंग हो रही है। ओ भाई साहब,